एक्टिविटी नंबर 1.3 के बाहर का जो टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्वेशन, यहां पर आपको दो चीज की डेफिनेशन समझनी है। पहले बात करते हैं रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? तो जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर यूज होता है, या तो जिसका केमिकल चेंज होता है, जिसके अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनती है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन यूज मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो यहां पे मैग्नेशियम और ऑक्सीजन ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और मैग्नेशियम ऑक्साइड जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज, राइट, एंड प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यहां पर एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं एचएस, और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज, जनरली हम नीचे यहां पे सॉलिड का एस, लिक्विड का एल, गैस का जी, और अगर कोई कंपाउंड पानी के अंदर डाल के बनाया, यानी कोई सॉल्यूशन बनाया एक्वस सॉल्यूशन, तो हम ए क्यू लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि उसका स्टेट कौन सा है। जैसे मैग्नीशियम एस, एस फॉर सॉलिड, तो मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म है वो ओ टू जो गैस फॉर्म है उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है विच इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं, आप लोग यहां तक का एक बार पूरा रीड कर लेना बुक में से, जो डाउट है वो आप मुझे जूम पे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट टाइम अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।